तो आज हमारा घूमने जाने का प्लान हुआ, तो हम निकल पड़े हमारे हमारे घूमने जाने की ओर। तो अभी फ़िलहाल तो गाड़ी रुकी हुई थी, और जैसे ही सिग्नल हुआ हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक बहुत ही प्यारा चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और ये देखिए, ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रविंद्र भवन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत कैफेटेरिया है। और इससे थोड़ी आगे हम बढ़े तो वापस से हमारी गाड़ी रुक गई, और नाउ हम पहुंच गए मॉल। तो यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, तो बच्चे लोग को खेलने में बहुत मन लगता है, और हमारी शॉपिंग भी हो जाती है। तो ये देखिए, हम अंदर गए, घूमे फिरे, लेकिन ये घूमना फिरना मुझे इतना महंगा पड़ने वाला था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो यहाँ पे था 50% सेल। हमने सोचा था कि आपको घर जाकर दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया है और ऑफ कितना बढ़िया है, लेकिन आपको दिखाना पड़ा कुछ और वो दिखाना है ये देखिए, मुझे लग गई चोट, और इस चोट के बाद बहुत दिक्कत हो गया। वो हुआ ये कि हम वापस आ रहे थे, और जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग में लगती है वहाँ पे बहुत सारे ईंटे थे, और मैंने ईंटा देखा नहीं और गिर गई। बहुत तेज़ गिरी, एक बार गिरी, पलट के दूसरे हैंड साइड में भी गिरी, और दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। और वहाँ से उठते संभलते आते बज गया 10। तो यहाँ पे घर में आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद चोट थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है। पहले तो वहाँ पे ही समझ में आ गया था कि चोट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो हम चले गए हॉस्पिटल। तो 11 बजे रात में हॉस्पिटल गए तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, और नेक्स्ट डे हो गया ये, लग गई मेरे दोनों हाथों में पट्टी। तो खैर दर्द तो बहुत था, लेकिन दर्द वाला मेडिसिन पेन किलर खाकर हम करने लगे कपास्टिंग। और नेक्स्ट डे हमने क्या किया पता है? मैंने इसी पट्टी में क्या किया, गोलगप्पे मंगवाए और पेन किलर खाकर गोलगप्पे मज़े से खाए। अब कोई उपाय तो है नहीं, दोनों हाथों में तो चोट लग ही गया है। आज है थर्सडे और आज ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आज भी मेरे हाथ में दर्द है, बट इतना कम है कि मैं ये ब्लॉग एडिट कर सकूँ और आप लोगों को के साथ शेयर कर सकूँ। तो फिर मैंने ये ब्लॉग बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि फर्स्ट डे तो हाथ बिल्कुल सीधा ही नहीं हो रहा था। अभी थोड़ा बहुत हुआ है, बट लेफ़्ट हैंड तो अभी भी थोड़ा पेन भी है और हाथ मुड़ा हुआ भी है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।